भाई एक बात की जो है ना दिल में सुकून पहुंची है, एक ऐसी चीज़ मैंने देख ली है जिससे दिल में सुकून पहुंचा है। एंड थैंक्स फॉर यू गाइज, आप लोगों ने जाकर के कमेंट सेक्शन में बताया कि एग्जैक्टली कुछ नई चीज़ आई है अजमत भाई की तरफ से, तो प्लीज़ थैंक यू फॉर दैट। एंड अगर ऐसे ही आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आता प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उस पर रिसर्च करके एक सही इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी, मैं हूँ मिस्टर जीरो, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट लैब में। और हाँ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स मैं डालूँ आपको पता चल पाए। और इसके अलावा जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ प्लीज़ उन सारे वीडियोज़ को भी देखा करो। तो चलो यार शुरू करते हैं। भाई दिल में ना तसल्ली पहुंची है, तसल्ली इस बात की है कि भाई हमेशा एक मलाल दिल में रह गया था कि ये सनी मलिक जो है अजमत हुसैन के बाद आए हैं और उसके बावजूद इनको जो है फिल्मों में गाना मिल गया है और वो गाना चल भी गया है, पर अजमत हुसैन के साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अभी आप कहोगे उसके बाद ही तो वो फिल्म आई है, उसके बाद ही तो उनका वो गाना आया है, तो भाई जा करके सबसे पहले आप वो गाना देखो। गाने का नाम है गुड्डा गुड्डी, फिल्म का नाम है गुल मकई। ये फिल्म का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में, मुस्लिम के ऊपर में, और मुस्लिम के ऊपर जो एक कट्टर मुस्लिम होते हैं वो किस तरह से मुस्लिम्स के ऊपर में रूल करते हैं और किस तरह से उनको अपने हिसाब से डाइवर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस फिल्म का टॉपिक बना करके दिखाया गया है। और उसमें इसी आवाज़ की ज़रूरत थी और इसी गाने की ज़रूरत थी। वो गाना बहुत ही अमेजिंग है, अगर आप अपने मतलब बचपन को याद करना चाहते हो प्लीज़ जा करके उस गाने को एक बार सुन लो, बहुत ही अमेजिंग गाना है। और अजमत भाई की जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि उनको जो है सनी मलिक से भी पहले ये गाना मिला है, तो आप जब गाना को सुनोगे ना तो वो गाना जो है अभी की आवाज़ में नहीं गाया गया है, वह आवाज़ पुरानी है। मीन्स अजमत हुसैन की जो है मतलब बचपन वाली आवाज़ लगती है। आप जा करके एक बार सुनो तो आपको समझ में आएगा, एक बार प्लीज़ वो गाना को सुनो। तो इससे क्या साबित होता है पता है, टैलेंट अगर है तो सबसे पहले मौका आपको मिलेगा, आपके बाद जो भी रहेंगे उनको भी मिलेगा। तो भाई यहाँ पे उन्होंने जो गाना गाया बहुत अमेजिंग गाना गाया है। और हाँ मेरे हिसाब से अब उनकी जो है एंट्री बॉलीवुड में एज अ बैकग्राउंड सिंगर हो चुकी है, प्लेबैक सिंगर में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा नाम आना चाहिए इनका और आएगा ही, क्योंकि इनके अंदर में एक अपना वाला टैलेंट है, किसी और का कॉपी वाला टैलेंट नहीं है। आई एम वेरी सॉरी अगर सनी मलिक के फैंस ये वीडियो को देख रहे हैं तो। और थैंक यू गाइज, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सजेशन दिया है और उन लोगों के सजेशन को मैं मानते हुए ये चीज़ दिमाग में रख रहा हूँ कि मेरे वीडियोज़ जो है अजमत भाई के ऊपर में थोड़ी लंबी हो जाती है। हाँ मैं भावनाओं में बह जाता हूँ एज अ फैन, तो भाई मैं वीडियो को यहाँ पर शॉर्ट रखना चाहता हूँ। आपने अगर जा करके वो वीडियो नहीं देखा है गुड्डा गुड्डी सॉन्ग, तो प्लीज़ यह जा करके देखो, मूवी का नाम है गुल मकई। इस मूवी को देखने का पहला रीज़न अगर कुछ है तो वो यही है कि अजमत भाई का गाना है। हाँ मालूम है ये मूवी उतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं रहेगी और ना ही उतना ज़्यादा सराहा जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजकुमार राव बोलो या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर है जिनकी मूवी को बहुत ही मतलब अंडररेटेड रखा जाता है, क्योंकि वो टॉपिक लोगों को ट्रेंडिंग नहीं लगता है, क्योंकि वो जो है मास ऑडियंस के लिए नहीं होता है। पर हाँ ये मूवी को बहुत ज़्यादा मतलब अवार्ड्स मिल पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सराहा जाएगा क्रिटिक्स के द्वारा। तो प्लीज़ यार गो एंड वॉच दैट मूवी, मैं तो जाकर के देखूंगा, रिव्यू भी करूंगा, जैसे मैं हर मूवी का रिव्यू हर हफ्ते जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं करता हूं, और पब्लिक रिव्यू भी लेकर के आऊंगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और हाँ अजमत भाई के लिए ढेर सारा प्यार है और अजमत भाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और हम सबको खुश होना चाहिए एज अ फैन कि अजमत भाई अब आ चुके हैं, अब बॉलीवुड में आ चुके हैं एज अ प्लेबैक सिंगर, एंड आई होप कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाने में सुनेंगे हम। तो चलो यार यहीं पे वीडियो का एंड करता हूँ, वीडियो को यार आप लाइक कर लो और हाँ कमेंट पे जाकर के ज़रूर बताना आपको कैसा लगा है। और सभी लोग बार बार कह रहे हैं उनके चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो बना, तो मैं बनाता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तो यार थैंक यू फॉर द सजेशन और हाँ लव यू ऑल गाइज, और इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर द अजमत हुसैन फैन, और मैं तो भाई बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन अजमत हुसैन। तो चलो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सायनारा एंड अस्ता ला विस्ता।